हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट 0017 इज आवर यूनिक कोड, इसलिए हमारे चैनल को जब भी सर्च करें 0017 डालना ना भूलें। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने क्लास 10th 9.1 क्वेश्चन नंबर 5 हाइट एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन यह है कि एक बच्चा है जो कि गुड्डी यानी कि पतंग को उड़ा रहा है। पतंग को जब उड़ा रहा है तो जमीन से पतंग का जो कोण बन रहा है, वो एंगल बन रहा है, वो कितने का है, वो 60 का बन रहा है। और वो जमीन से पतंग कितने दूरी पर है, कितने ऊंचाई पर है, तो वो 60 मीटर की ऊंचाई पर है। क्लियर, यहाँ पर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। ये पतंग है, पतंग से जमीन का जो ऊंचाई है वो 60 मीटर का है, और ये जो एंगल बन रहा है वो भी कितने का है, 60 का। निकालना क्या है, निकालना है ये जो स्ट्रिंग है, जो सूता धागा होता है ना, उसका वो लंबाई लेंथ निकालना है, मतलब ये पोर्शन निकालना है, मतलब ये क्या है, एच आपको निकालना है। दिया क्या है, तो पहले ये देखेंगे दिया क्या है, गिवन क्या है, पी 60 मीटर, एच निकालना है। इसका क्या मतलब है, पी और एच के बीच में ही रिलेशन लेना है, पी बाई एच। पी बाई एच किसका होता है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। इसका क्या मतलब है, हम लोगों को यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ पर हम लोगों को साइन थीटा लगाना है। ठीक है, लगा देते हैं, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 60, पी बाई एच साइन 60। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, रूट 3 बाई 2। पी क्या है, 60, H मतलब ये जो AC है वो है ना, H निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, H इंटू रूट 3 इक्वल टू 60 इंटू 2। H इक्वल टू 60 इंटू 2 बाई रूट 3, H इक्वल टू 120 बाई रूट 3। क्लियर होगा यहां तक, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखते हैं, चेंज कर देते हैं रूट को, 120 बाई रूट 3 इंटू रूट 3 बाई रूट 3, तो ये क्या मिल गया हम लोगों को, H इक्वल टू 120 रूट 3 बाई 3, ये कट जाएगा, तो H इक्वल टू 40 रूट 3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, H मतलब AC, AC मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AC कितना आ गया है, 40 रूट 3 मीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, अगर कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।